स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार का जो आपने काउंसलिंग कराया था 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में, और जो स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, अलॉटमेंट कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS का, वो पूरा प्रोसेस रद्द कर दिया गया है। यानी जो आपका अलॉटमेंट कॉलेज में हुआ था वो कैंसिल हो चुका है आपका। इसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। आपका ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा हुआ है, UG MSc 2019 के आधार पर राजकीय निजी मेडिकल डेंटल एवं पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की सीटों पर दिनांक 12 जुलाई को हुई सीट आवंटन, यानी 12 जुलाई को अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया गया था, और 15 तारीख से लेकर 18 के बीच में आपका नामांकन एडमिशन हुआ था वो रद्द करने एवं सीट आवंटन तथा नामांकन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से संबंधित आवश्यकता, यानी रद्द कर दिया गया है। अब कारण क्या है फ्रेंड्स, इन्होंने जो ये पूरा प्रोसेस बताया है इसमें कारण नहीं बताया है, एक वैलिड कारण होता है किस वजह से किया गया ये नहीं बताया गया। फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, पहले प्रोसेस समझ लें फिर आपको इस पर बात करेंगे। अब जो स्टार्ट होगा, आपको जो एडिट या चॉइस फिलिंग का आपको मौका दिया जाएगा 23 तारीख को। चॉइस फिलिंग, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग दोबारा अपना कॉलेज का हेर फेर कर दे, कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, उनको 23 तारीख से आपको मौका दिया जाएगा। या जो स्टूडेंट नहीं चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो इसमें कोई आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एडिट करने को आपको यहाँ दिखा हुआ है, और लास्ट जो एडिट और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन 25 को दिया जाएगा, मतलब 23 तारीख से लेकर 25 तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, और फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा 27 तारीख को, ठीक है। और लिखा हुआ है कि स्लॉट बुकिंग आपको होगा 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। अब काउंसलिंग कराना है आपको, काउंसलिंग शुरुआत होगा 30 तारीख से लेकर 31 तक होगा, 30 और 31 दो दिन होगा आपको पटना में। आपको कहाँ होगा ये पहला राउंड का काउंसलिंग हुआ था शेखपुरा IGIMS में हुआ था, सेकेंड कहाँ होगा ये बता दिया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को होगा 30 तारीख और 31 तारीख को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को होगा 1 अगस्त को, और डेंटल वेटनरी, गवर्नमेंट डेंटल वेटनरी प्राइवेट डेंटल के लिए होगा 2 तारीख को। ये रहा, और ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे निर्धारित समय पे और तारीख को पहुँचना बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अलॉटमेंट किया गया है तो। अगर नहीं पहुँचते हैं तो आपका सीट रद्द कर दिया जाएगा, क्लियर यह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, कारण क्या है रद्द होने का। फ्रेंड्स, मैंने पिछला वीडियो बताया था कि जो एडमिशन स्लॉट बुक हुआ था, एडमिशन हुआ था, उसमें मुझे भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी लगा, मैं आपको यहाँ खुल के नहीं बताऊँगा, कुछ रैंक पे डिफरेंस लगा थोड़ा मुझे, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के बेसिस पे बताया आपको, तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये रीज़न नहीं दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, आपको काम है कि आपका देखे आपका फिर से कहाँ से अलॉटमेंट किया जाता है, किस कॉलेज में किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो फर्स्ट राउंड जो कैंसिल हुआ, और जो कैंसिल होने के बाद जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट किया गया था जितने रैंक तक गया था, मुझे ऐसा फील होता है कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा रैंक तक काउंसलिंग होगा। यानी खुशखबरी है नए स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन, जिनका रैंक जनरल का 500-600 के आसपास है, तो 600 तो फर्स्ट राउंड नहीं जाएगा, लेकिन आई होप 525 तक चला जाना चाहिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, जो रद्द किया गया अब नया जो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपना प्रॉपर अच्छे से क्या करें, काउंसलिंग करा रहे, फिर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड अवार्ड डिले कर दिया गया है। तो ये बताना था, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके लिए कोई भी अपडेट्स आता है नीट का मैं आपको बताता रहता हूँ।